न्यूज यहां पर आ गई है, आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दरअसल इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको रूबरू करा देते हैं बड़ी खबर से। अधीर रंजन के विवादित बयान पर बवाल लगातार जारी है। कल भी बवाल मचा था और आज भी इस तरीके के आसार संसद में रहने की पूरी स्थिति बनी हुई है। हंगामे के आसार संसद में आज भी बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि दोनों सदनों में भारी हंगामे के आसार हैं। राष्ट्रपति को लेकर विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद ये हंगामा खड़ा हुआ। सोनिया से माफी मंगवाने पर अड़ी हुई है बीजेपी। कल लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस तरीके के गलत शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अधीर रंजन की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ये कहा कि गलती से चूक हो गई थी। तो आपको बता दें कि अधीर रंजन के विवादित बयान पर जमकर बवाल लोकसभा और विधानसभा में देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामे लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार होती ही है, लेकिन इस तरीके के विवादित बयान के चलते एक और हंगामा यहां पर खड़ा हो गया है। अधीर रंजन की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि गलती से ये चूक हुई है। कल भी इसी तरीके के हंगामे लोकसभा में देखने को मिले थे। बवाल बढ़ने पर अधीर रंजन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि चूक गलती से हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरीके से ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, अधीर रंजन की तरफ से भी प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है। उन्होंने कहा कि गलती से ये चूक हुई। स्पर्श, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें अधीर रंजन चौधरी की, तो सीधे तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि चूंकि मैं बंगाली हूँ, कई बार इनमें ऊंच नीच जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ सकती है मेरी हिंदी में, लेकिन उसके बावजूद मैं माफी जो है यहाँ पर मांगता हुआ नजर आता हूँ, और मैं खुद द्रौपदी मुर्मू से जाकर जो है माफी मांगता हुआ नजर आऊंगा। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर जो है सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू से बेशक मैं पर्सनली तौर पर जाकर माफी मांग लूं, लेकिन जो बीजेपी है या फिर उनके नेता है जो पाखंड कर रहे हैं, ये उनसे जो है मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये स्टैंड फिलहाल जो जो अधीर रंजन चौधरी है उनका यहाँ पर निकलकर जो है सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग जो है कहीं ना कहीं देखने को उनकी तरफ से जो है मिलता हुआ नजर आया था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आया, एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी है उनको घेरने का मौका जो है कांग्रेस को यहाँ पर सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उसका अपमान जो है कांग्रेस के नेता जो अधीर रंजन चौधरी वो सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में संसद में आज भी इसी मुद्दे को लेकर हंगामे रहने के आसार बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम आज बात करते हैं संसद की, तो इस मसले पर हंगामा देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इससे पहले अगर कांग्रेस की रणनीति की बात करें, तो अब से कुछ ही देर बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक है वो होती हुई जो है लोकसभा सांसदों की नजर आएगी। उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देखेगी कि किस तरीके से जो है सरकार को अलग अलग मसलों पर घेरना है, जीएसटी, महंगाई या फिर अन्य मसलों की बात करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें तो वो इस मसले को अभी छोड़ने वाली नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि कल भी एक नया विवाद देखने को मिला, जहां पर स्मृति ईरानी और जो सोनिया गांधी है उनके बीच में वर्बल स्पैट देखने को मिलती हुई नजर आई। तो ये कुछ जो मसले हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में उठते हुए जो है नजर आ रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर की बाहर बात करें या फिर बाहर की बात करें। चलिए ठीक है स्पर्श, बने रही हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल अधीर रंजन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है कि वो पर्सनली द्रौपदी मुर्मू से जरूर माफी मांग लेंगे, लेकिन बीजेपी से माफी नहीं मांगेंगे।